अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम अपने प्रोग्राम में लेकर आए हैं इंटरव्यू के लिए एक हमारे बहुत ही प्यारे से, बहुत ही क्यूट से हमारे चाइल्ड यूट्यूब स्टार, बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं। इनका अपना भी चैनल है, इनकी मदर का भी कुकिंग चैनल है, तो बहुत ही अच्छा ये उसमें परफॉर्म करते हैं, बहुत ही फेमस हैं। तो चलिए, मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, आप उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ और उनका इंटरव्यू लेते हैं और जानते हैं उनके बारे में मजेदार सी बातें। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। गुड। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज हमें। मेरा नाम है अब्दुल रहमान मुर्तजा, मैं कराची से हूँ लेकिन अब मैं इंग्लैंड में आ गया। ओहो, आप कराची से हैं और अब आप इंग्लैंड आ गए, माशाल्लाह। अच्छा, आपका अपना भी एक चैनल है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सा, आप उसमें भी काम करते हैं, बहुत अच्छी आपकी एक्टिंग है, बहुत पसंद किया जाता है आपको, और आप अपनी मदर के चैनल में भी उनके साथ होते हैं, आपके कमेंट्स उसमें हमें नज़र आते हैं बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल में। तो आप इतना काम कर रहे हैं, इतने बिजी आप होते हैं और आपको सब इतना पसंद कर रहे हैं, तो कभी प्राउड फील हुआ आपको? हाँ, मुझे प्राउड फील तो होता है और मैं एक्चुअली मैं ज़्यादा प्राउड हूँ। मेरे सब्सक्राइबर एक चैनल है, मैं मम्मी चैनल से जेलस हो गया था लेकिन बता दिया था जेलस नहीं होना चाहिए जी। तो फिर मैं जेलस नहीं हुआ। मैं और फिर कहती थी हाँ तीनों का चैनल है तो फिर मैं तीनों का चैनल 100 तक आ गया। एक्चुअली 100 से ज्यादा हो गया, 100 तो है, 200 ऐसे 300 तक नहीं आया। अच्छा, लेकिन है तो 100। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके मामा के चैनल से थोड़ी सी जेलेसी हुई थी आपको? जी लेकिन अब नहीं हुई, अब यूट्यूब बने हैं दोनों चैनल। जी बिल्कुल। और आपको ये बात पता है कि आपकी मामा के चैनल में भी लोग मामा का चैनल जो पसंद कर रहे हैं, उसकी खास वजह एक आप ही हैं। उनकी कुकिंग का मैं ये नहीं कह रही कि उनकी कुकिंग अच्छी नहीं है, उनका स्टाइल, उनकी कुकिंग के अलावा जो बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है वो आपको पसंद किया जा रहा है और आपके स्टाइल को पसंद किया जा रहा है, आप ये बात जानते हैं? जी लेकिन थैंक यू आपने ये बोला। यू वेलकम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप हमेशा अपने मम्मा के चैनल में, सॉरी पहले मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आपकी मम्मा के चैनल का नाम क्या है? महाज किचन है, पहले महा का बाबजी खाना था, ये तो छोटा करते थे लेकिन बाने सुने लेकिन अब कर दिया महाज किचन। महाज किचन, ओके। अच्छा, आप अक्सर अपनी मम्मा के चैनल में यही कहते हैं बहुत मजे का बनाती है मेरी मम्मा और ये वो, तो आप जी सीरियस? सभी मैं आपकी बात करता हूँ। मेरे पास दो काम होते हैं, मैं काम करता हूँ उनके चैनल में एंड तक, और मैं चैनल लगा मेरे और मेरी माँ के चैनल में फेसबुक पे लगाते हैं और सब्सक्राइबर आए। अच्छा, नहीं, जो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, आप हमेशा तारीफ करते हुए ही नजर आते हैं उनकी तमाम खानों की, तो क्या वाकई वो इतना अच्छा बनाती हैं या फिर? अच्छा, नहीं बनाती तो ये आप इतने आहिस्ता से क्यों बोला, ताकि आपकी अम्मा सुन ना ले? नहीं, वो ऊपर कमरे में सो रही है इसलिए। अच्छा, वो ऊपर सो रही है इसलिए आपने आहिस्ता से बता दिया। तो अच्छा, क्यों आपने आहिस्ता से, क्या आपके बाबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तारीफ करनी है, क्या बोलते हैं जरा वो बताइएगा प्लीज। कहते हैं काम कर लो, बोलते दिल नहीं जाता, बोलते मैं तबले में लगना चाहिए है इसलिए बोलते अच्छा लगता है। मेरे पास एक कच्चू गेम है, उसका नाम है रोब्लॉक्स, बहुत अच्छा होता है। मेरे पास टाइकून होते हैं लेकिन गेम। आप बार बार घड़ी देख रहे हैं, मुझे मालूम है आप बहुत बिजी हैं, लेकिन प्लीज हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए अपना। जी, खाली मेरे पास एक आवर है, अभी अभी मैंने टाइम लगाया है, अभी एक आवर का बहुत देर है, आप कर सकते हैं। नहीं, मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह अपना प्रोग्राम आपके एक घंटे में ही मैं पूरा कर लूँ, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। नहीं, आप इन घंटों या दो घंटे इसलिए इतना सीरियस नहीं है। ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप जो इतना मतलब अपने
अपने चैनल में भी आप काम कर रहे हैं, आप अपने मामा के चैनल में भी काम कर रहे हैं, आप इतना बिजी होते हैं, तो आप मतलब और क्या एक्टिविटीज होती हैं इसके अलावा आपकी घर में? एक्टिविटीज होती हैं, मेरे पास तीन होते हैं। जब मैं कमरे में बैठा हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, एक्चुअली जी मैं पढ़ता हूँ, और दूसरे वो मैं बैठा हूँ, वो मैं होमवर्क करता हूँ, और वो मेरे बाबा के साथ मैं देखता हूँ न्यूज थोड़े, और फिर मैं तबले पे भी होता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आप न्यूज भी देखते हैं। जी अच्छा एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपका जो अपना चैनल है वो आपने स्टार्ट लिया, तो क्या वजह थी स्टार्ट लेने की, और क्या आपके माइंड में ऐसी चीज आई कि जिससे आपको लगा कि आपको अपना चैनल बनाना चाहिए, और क्या इन्फॉर्मेशन आप उसके थ्रू चैनल के थ्रू देना चाह रहे थे अपने व्यूवर्स को? अच्छा मैं दो चीज उसमें डाल सकता हूँ। वजह थी मेरी, मेरे बाबा ने बोला था ताकि बच्चे सीखें। क्या सिखाना चाह रहे हैं आप उसमें? कुनवाई की सिर्फ सी। ओह अच्छा अच्छा आप वैसे ही करके बताएंगे। कोरोना वायरस की आपकी बहुत सारी वीडियोस आपने इस हवाले से बनाई, बहुत अच्छी, बहुत इंफॉर्मेटिव। आपका स्टाइल बहुत अच्छा है माशाल्लाह बोलने का। और दूसरी चीज उसमें एक आपकी वीडियो जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, जिसमें आपने सबको कहा मैंने आपको देखा था बाहर, आप बाहर नहीं जाए, वो जरा हमें प्लीज करके दिखाएंगे आप? अच्छा आप लोग, मैंने आपको देखा, आप और आप बाहर निकले। नहीं तो आप क्यों, मतलब ऐसे लोग जो बाहर निकल रहे हैं उनको क्यों नहीं निकलना चाहिए आजकल? ताकि सबक सीखें, सबक नहीं सबक। नहीं, किस तरह का सबक सीखेंगे जैसे, अगर जैसे वो बाहर निकलेंगे तो क्या ऐसा सबक होगा जो वो सीखेंगे? क्या मतलब बाहर निकलना? मरेंगे, मर जाएंगे? ओह बड़ा सीरियस है मैटर, क्यों मर जाएंगे? इसलिए वायरस फैला है, अल्लाह ताला ने भेजा था, इसलिए लोगों गंगे बन गए थे, लेकिन जब अच्छे बनेंगे तो फिर बता देंगे और फिर जा सकते हैं। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग गंदे बच्चे बन रहे थे तो अल्लाह ताला ने ये वायरस भेज दिया? जी। ओह तो फिर अच्छे बच्चे बनने के लिए क्या करना चाहिए? घर में रहना चाहिए, कुरान पढ़ना है, दुआ करनी है, नमाज पढ़नी है, जाना नमाज पे, ऐसे नहीं होते बगैर जाने मास्टर। अच्छा तो ये इतनी प्यारी प्यारी बातें आप माशाल्लाह करते हैं, समझदारी की बातें आप करते हैं, तो ये आपको कोई सिखाता है या आपके माइंड में खुद से आती हैं? दोनों होते हैं, एक्चुअली एक ही होता है, एक में तो चीता हूँ पता है, और मैंने एक टाइम में बाबा ने एक चीज लिखा था, मैं इंडिया लैंग्वेज में मैंने पलिया भी नहीं, एक दफा भी नहीं पाया। माशाल्लाह आप क्या, आपने क्या कहा, आप चीते हैं? अच्छा चीता कैसे करता है? वो आपने तो मुझे डरा दिया। मैं नहीं खाली में अच्छा हूँ, लेकिन जब मुझे खाली गुस्सा आता है जब मैं चीता हूँ। तो गुस्सा आपको किस बात पे आता है, किन लोगों पे गुस्सा आता है? आता है बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। अच्छा अच्छा आपसे, और आपका मुझे बताएं कि आपको अपनी मम्मा के हाथ के जो खाने आपकी मम्मा बनाती हैं उसमें आपको सबसे अच्छा अभी तक क्या लगा? सबसे अच्छा वो क्या बनाती हैं? अच्छा मेरी फेवरेट दाल सकता, मेरी फेवरेट उन्होंने, ये बहुत पहले की बात है, और है मेरी फेवरेट चाइनीज साड़ी, बहुत मजे की होती है, कितना मैं खा सकता हूँ। अच्छा चाइनीज राइस पसंद है आपको, और क्या पसंद है मामा के हाथ का? चिकन कबाब और बिरयानी दाल के अलावा। चिकन कढ़ाई बिरयानी दाल के अलावा, दाल नहीं पसंद आपको? यार मुझे इतने मिर्च, कभी भी अम्मा थोड़े से मिर्च के लाते थे, मुझे कभी भी एक टेस्ट भी नहीं चाहिए दाल की। अच्छा मिर्चें क्यों तेज डालती हैं आपकी मम्मा, किसको पसंद है घर में मिर्चें? हैं बड़े हैं और बताते हैं क्या कबो, और कहते हैं नहीं देखो उनके फोन पे है कौन? मेरे बाबा। अच्छा आपके बाबा को स्पाइसी खाने पसंद है? लेकिन नहीं अच्छे लगते। अच्छा चलें एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि
आप बार बार घड़ी क्यों देख रहे हैं? मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं। जी लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो खाली मैंने वो चेक किया, वो 10 मिनट हो गए। लेकिन कोई बात नहीं है, एक आम आओ करते, एक आओ बहुत टाइम होता है तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं इंटरव्यू। ओके थैंक यू। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपको मामा और बाबा में सबसे अच्छा कौन लगता है? अम्मा बाबा नहीं, एक कोई बताइए। जाना पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई, अम्मा बाबा। अच्छा चले, आपका आपका आप बिजी हैं तो मैं आप यहाँ पर इंटरव्यू को थोड़ा सा खत्म करना इख्तिताम करना चाहूंगी। तो अभी मैं आपकी बात कर जाऊंगा, बात कर सकते हैं, इसलिए बहुत टाइम है मेरे पास। मुझे लग रहा है आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं इंटरव्यू देने में। जी मुझे मैं पूछा हूँ, लेकिन बहुत मैं मुझे बहुत देर चाहते थे इंटरव्यू करने में। मैं बाबू को गया था, मुझे टीवी पे आना है, लेकिन नहीं आने दे रहे थे, तो फिर इंटरव्यू कर रहा हूँ। अच्छा चले, अच्छा चले ठीक है। प्रोग्राम के आखिर में हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप जैसी एज के, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे जो आजकल सब फ्री हैं, स्कूल्स बंद हैं, घर ही में होते हैं सब, तो उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये बच्चों के लिए है, जैसा ने आंटी की बात सुनी थी वो है, आप लोग घर में भी और आप होमवर्क कर रहे हैं, कुरान पर भी हैं या सपावर पर, लेकिन जब कुरान या सपावर नहीं है, नमाज पर भी या नहीं है, तो नमाज के बाद आप ले लें या पढ़ लें मस्जिद के या मॉस्क में आप ले लें। और अच्छी बात है अल्लाह ताला के घर जाने में आप कुनवाज के बाद और वर्किंग भी करें, लेकिन मैं अच्छे बात अच्छा बनूंगा। मैं आप वर्किंग 10 महीने के लिए करें और फिर 1 आवर के लिए मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा। 10 मिनट्स राइटिंग और 1 आवर ब्रेक। जी इसलिए उनको बहुत अच्छे लगते हैं, मैं क्या करूँगा, वो ना वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, मैं चाहना लाइक नहीं करेंगे, फॉर्म स्टार मिलेंगे, इसलिए मैं 1 आवर के लिए। अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और देखिए आप तो बहुत ही बिजी हैं, तो चले हम आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।